नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। म्यूजियम शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ यूनिक पिक्चर्स और सिक्के, कुछ पुराने हथियार, कुछ बाबा आदम के जमाने के पत्थर और तोप और कुछ शीशे की कलाकृतियाँ। म्यूजियम अपने आप में अनोखी और बेशकीमती चीज़ों का भंडार होता है। इन्हीं अनोखी चीज़ों को संजो के रखने के लिए पटना के दोनों म्यूजियम को जोड़कर और भी बेहतर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में विकास की दौड़ चल पड़ी है। साल बदले, सरकारें बदली, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिहार अपनी कमर को कसकर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को अंडरग्राउंड जोड़कर सबवे के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक अनोखी बात है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों म्यूजियम के इतिहास और एक्सपेंशन के बारे में, साथ ही साथ इन्हें जोड़ने वाले टनल के बारे में। राजधानी पटना का बिहार म्यूजियम देश का सबसे शानदार म्यूजियम है। यह देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम भी है। राजधानी पटना के पटना म्यूजियम और हाईटेक बिहार म्यूजियम को एक दूसरे से जल्द ही जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों म्यूजियमों को जोड़ने के लिए जल्द ही अंडरग्राउंड सुरंग यानी कि एक सबवे कनेक्शन बनाई जाएगी। यह सुरंग पटना की मुख्य सड़क बेली रोड के नीचे से गुजरते हुए बनेगी। इसका मतलब साफ है कि अगर आप बिहार म्यूजियम घूमने जाते हैं तो पटना म्यूजियम घूमने जाने के लिए आपको किसी ऑटो या फिर बस का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप सीधा सुरंग के माध्यम से बिहार म्यूजियम होते हुए पटना म्यूजियम में जा सकते हैं। कला और संस्कृति के कदरदानों के लिए इन दोनों म्यूजियमों का जुड़ना काफी खास होगा। दोनों म्यूजियम के आपस में जुड़ जाने से बिहार के इतिहास को और बेहतर ढंग से समझने में सहूलियत होगी। इसके साथ ही सभी चीजों के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। आपको बता दें कि इन दोनों म्यूजियम के बीच सबवे टनल करीब करीब 1.5 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा, मगर इस अंडरग्राउंड रास्ते से गुजरते वक्त लोगों को इस दूरी का एहसास नहीं होगा। इसमें कई तरह की कलाकृतियां और अत्याधुनिक संरचना भी रहेगी, जिससे बिहार के इतिहास को समझने में लोगों को और भी आसानी होगी। इसमें एक तरह की आर्ट गैलरी होगी, जिसमें भित्ति चित्र और मधुबनी पेंटिंग शामिल होगी। इसे दीवार पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से सजाया जाएगा। उन्हें देखते हुए लोगों को यही एहसास होगा कि वे म्यूजियम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। इसके साथ ही इस टनल में बेहतर लाइटिंग और एयर कंडीशन की भी व्यवस्था की जाएगी। पटना म्यूजियम करीब 100 साल से अधिक पुराने और गौरवशाली अतीत को समेटे हुए है, तो वहीं बिहार म्यूजियम पटना में निर्मित आधुनिक कला का संग्रहालय है। आइए चलते हैं और एक नज़र डालते हैं इन दोनों म्यूजियमों के इतिहास पे। पटना म्यूजियम, जो जादूगर के नाम से भी मशहूर है, मुगल राजपूत आर्किटेक्चर से बना एक म्यूजियम है। इस संग्रहालय की आवश्यकता बंगाल से बिहार के विभाजन होने के बाद महसूस की गई थी। इसका निर्माण 1917 में अंग्रेजी शासन के समय हुआ था और ये बिहार की बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भवन के केंद्रों पर आकर्षक छतरी, चारों कोनों पर गुंबद और झरोखा शैली की खिड़कियां इसकी विशेषताएं हैं। यह म्यूजियम दुर्लभ संग्रह का भंडार है। इसके संग्रह में भगवान बुद्ध की दुर्लभ अस्थि अवशेष वाली कलश मंजूषा और काफी पुराने चीड़ के एक पेड़ का फॉसिल शामिल है। वहीं नव निर्मित बिहार म्यूजियम अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह अगस्त 2015 में आंशिक रूप से खोला गया था। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय पटना में बिहार म्यूजियम बनाया गया है। यहां पटना संग्रहालय से 100 से अधिक कलाकृतियों को ट्रांसफर किया गया था। इन दोनों म्यूजियमों का सबवे के माध्यम से जुड़ना पटना के लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। हालांकि इस अंडरग्राउंड टनल के बनने से पहले पटना म्यूजियम का एक्सपेंशन किया जाएगा और उसे और बेहतर बनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति थोड़ी ठीक होने के बाद इस अंडरग्राउंड टनल पर काम शुरू किया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।